एक्चुअली जो आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम है विनेगर रॉकेट। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और सीखेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है उसमें नंबर 1.5 लीटर प्लास्टिक बोतल, आप हाफ लीटर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 लीटर भी यूज़ कर सकते हैं, रबर कॉर्क, स्पून, बेकिंग सोडा, फनल, बीकर, विनेगर, सीजर्स एंड टिश्यू पेपर, स्कॉच टेप। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले हम इस बोतल के अंदर विनेगर डालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फनल। ये ग्लास फनल को ऊपर रखेंगे और हम इसमें विनेगर डालेंगे। सेकंड स्टेप में मैं बेकिंग सोडा का एक रोल बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली जब बेकिंग सोडा और विनेगर को कंबाइन करते हैं तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। उसको स्लो करने के लिए मैं एक बेकिंग सोडा का पैकेट या रोल बना रहा हूँ। इसमें हम 4 टीस्पून या स्पैचुला आई एम यूजिंग ये डाल देंगे बेकिंग सोडा का, 2 and 3, 4। और इसको मैं टेप के साथ फिक्स कर देता हूँ। और इसका रोल बनाने का मकसद ये भी है कि ये जो बोतल का माउथ होता है बहुत छोटा सा होता है, उसके अंदर इजीली एंटर भी हो जाए। आई विल शो यू, क्योंकि हमने इसको इस बोतल के अंदर डालना है तो इसमें आराम से ये देखें पैकेट चला भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद रबर कॉर, इसको मैं एक लुक देने वाला हूँ एक रॉकेट की, तो मैं टिश्यू पेपर को ले कर इसको ऐसे कर लेता हूँ रोल और टेप के साथ मैं इसको इसके ऊपर ऐसे लगा देता हूँ, ठीक। और ये एक रबर रॉकेट की लुक देने के लिए आप देखें, ठीक है। अब मैं इस रोल को बेकिंग सोडा रोल को इसमें डालूँगा ऐसे, और इसके ऊपर ये अपना कॉर्क ये रॉकेट ऊपर फिक्स कर दूँगा। और इसको शेक करेंगे और फिर मैं शेक करने के बाद थोड़ा पीछे हट जाऊंगा। बेकिंग सोडा और विनेगर जब कंबाइन होते हैं मिलते हैं तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेशर से ये हमारा रॉकेट फ्लाई करेगा। देखते हैं कितनी देर में फ्लाई करता है। अभी आपने देखा कि कितनी स्पीड से ये कॉर्क ऊपर गया।